135वां पावन जन्मोत्सव में क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को? मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही शुभ अवसर है रांची वासियों के लिए कि सभी लोग ठाकुर जी के इस उत्सव में, जैसे अभी हमारे पूर्व के दादा बता रहे थे कि उत्सव का अर्थ ही है ऊर्ध्वमुखी चलन, मतलब हम लोग अपने थॉट प्रोसेस को हायर एंड की तरफ जाएं। अभी जो आज के समय में हम लोग जब देख रहे हैं कि मनुष्य अक्सर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होता नजर आता है, लोग एंग्जाइटी डिप्रेशन में रहते हैं, उत्सव हम लोग आनंद के लिए करते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को हायर एंड पर लेकर जाकर चलते हैं। और ये अच्छा अवसर भी है कि हम ठाकुर जी से उस पर आनंद लें और ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे धर्म को लेके, ठाकुर जी धर्म के बारे में जैसे कहते हैं कि धर्म अनेक नहीं होता, धर्म एक ही है, संप्रदाय अनेक, मत अनेक हो सकते हैं लेकिन धर्म एक ही है। तो मुझे लगता है कि बहुत शुभ अवसर है जिसमें हम आनंद भी लें और ठाकुर जी की बातों को लेकर अपने जीवन में चलें। जो जो उस संप्रदाय में रहते हैं, उस संप्रदाय में रहते हुए ठाकुर जी को लेकर अपने जीवन में ग्रहण करके अपने जीवन को सुंदर और आनंदितमय ढंग से आगे लेके जा सकते हैं, मेरा बस यही संदेश है। तो इस साल हम लोग का प्रयास है कि सारे माध्यमों से, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर रेडियो के माध्यम से, हम लोग इस और रांची में जगह जगह हम लोगों ने होर्डिंग भी लगवाया है जिसके माध्यम से हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग तक इस बात तक पहुँचे और लोग ठाकुर जी के विचारधारा कुछ जाने, उनसे उनकी बातों कुछ समझें और उनसे युक्त भी हों। जी, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम रंजीत गुप्ता है और मैं ठाकुर जी का एक सेवक हूँ, सप्रतृतिक हूँ। हम लोग सत्संग ठाकुरवाड़ी के तरफ से, इनफैक्ट पूरे सत्संग रांची परिवार के तरफ से, रांची के और ये झारखंड के समस्त निवासी को सादर आमंत्रित करते हैं कि परम दयाल युग पुरुषोत्तम से ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शुभ 135वां जन्म महामहोत्सव हम लोग मना रहे हैं, जो कि कांके बोरिया के निकट एक मैदान है दुर्गा मंदिर के अपोजिट में, वहाँ पर यह उत्सव पंडाल बनाया गया है जिसमें सभी लोग दूर भरती लोग सब आ रहे हैं, बहुत दूर दूर के गुरु भाई ये लोग भी जुड़े हुए हैं ठाकुर जी से, ना भी जुड़े हुए हैं, सभी लोग ठाकुर जी का इस पुण्य पावन पर्व में उपस्थित होकर अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए सम्मिलित हो रहे हैं, यही बात है। और साथ ही साथ इस उत्सव में हमारे वर्तमान आचार्य देव के आदेश से यह उत्सव का आयोजन किया गया है, जिस उत्सव में देश भर के विभिन्न प्रांतों से लोग आएंगे और साथ ही साथ वो अपने प्रतिनिधि स्वरूप परम पूज्यपाद श्री श्री बिंकीदा जी को इस उत्सव में वह भेज रहे हैं, उनका भी दर्शन लाभ करने का सुयोग हम रांची वासियों को मिलेगा। जी, ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने विवाह के बारे में कुछ कहा था, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कुछ जो है वो बदलती हुई तस्वीरें जो है हर तरफ नज़र आ रही है। विवाह शब्द अपने आप में परिपूर्ण है, विवाह से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है और सुंदर विवाह एक अच्छा समाज का, एक अच्छा परिवार का नींव है। क्योंकि जब भी हम विवाह की बात करते हैं तो सिर्फ शादी कर लेना, एक दूसरे के साथ जीवन को निर्वाह करना विवाह नहीं होता। विवाह एक बंधन नहीं है, विवाह एक योग है जिस योग के तहत हम किसी को वरण करते हैं, जब उनके प्रति मेरा श्रद्धा होता है और आदर्श को केंद्र करके जब हम विवाह को यापन करते हैं, विवाह को जीते हैं, तब जाके आदर्श सेंट्रिक होके, आइडियल सेंट्रिक होके वो विवाह सार्थक होता है। अदरवाइज विवाह जिस तरह से अभी समाज में चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि पहले जब हम लोग इष्ट को केंद्र करके चलते थे, गुरुजन पिता माता को केंद्र करके चलते थे, उस समय में विवाह का रेशियो क्या रहता था, अभी डाइवोर्स का कितना ज़्यादा केसेज आ रहे हैं समाज में। तो यदि आदर्श अनुप्राणित विवाह हो तब जाके एक अच्छा परिवार बनेगा, तब अच्छा समाज, तभी अच्छा राष्ट्र की कल्पना हम लोग कर सकते हैं। इसलिए विवाह पर से ठाकुर ने जोर दिया जो सही तरीके से होना चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शुभम कुमार है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आज भी जो है लोग गंगा जमुना तहजीब को लेकर के भंग करते हुए नजर आते हैं और कहीं ना कहीं आप लोग भी आज जो है ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़ के हर धर्म को मानने वाले, कहीं ना कहीं इंसानियत के तौर पे हर किसी को आप देखते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? धर्म ठाकुर जी की जो आदर्श है वो आदर्श में दूसरे को बचाना, अपने बचना, तभी तो उसको धर्म कहना है। उसमें दूसरे को जब सामने में देखता हूँ उसका धर्म नहीं पूछता हूँ,
तकलीफ में हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है। मेरा काम है उनको सेवा देना, बचाना। इसलिए कोई धर्म, कभी कोई भी मजहब कभी किसी को मारने के लिए नहीं सिखाता है जी। और उसी हमारी ठाकुर का ही आदर्श से कि हम सबको एक माने और सबको सम्मान दें। जितने पूर्वतन आए हैं सब उन्हीं को ही पूर्ण करते हैं। वो यीशु हो, मोहम्मद हो, बुद्ध हो, जैन हो, श्री चैतन्य हो, श्री रामकृष्ण हो, कोई हो, सब उसी धारा के सब हैं, तो हम उनको सम्मान करते हैं जी। कहना कि 135वां पावन जमुना महोत्सव समारोह मनाया जा रहा है, क्या कुछ खास है, कैसा लग रहा है इतना, मतलब दिन के बाद भी कहीं ना कहीं ये जीवित है आप लोग के अंदर? ये तो हमारे साथ, जब तक मैं जीवित हूँ मेरे साथ तो रहेंगे ही, लेकिन सृष्टि में ही ये जीवित रहेंगे। इसलिए कि ये युग पुरुषोत्तम है, 10,000 साल, उनकी बात अनुसार 10,000 साल तक ये परंपरा चलता रहेगा। कहीं इसीलिए उन्होंने आचार्य परंपरा दे के गए हैं, उनके बाद उनकी आदि आचार्य हमारे पूज्यपाद बड़दा यही संस्था वही विधान को आगे लेते हुए चले, उसके बाद पूज्यपाद दादा वो भी आचार्य रहे, वो भी उसको लेके चले, और वर्तमान आचार्य उन्हीं के ज्येष्ठ संतान हैं, और वही क्रम आगे चलता रहेगा जब तक सत्संग अनुष्ठान। अपना परिचय दे। मेरा परिचय है वीरवर राव, मैं ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की अनुजाई हूँ, सेवक हूँ और सहप्रतिनिधिक हूँ। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।